मैं रचना गुलिया, आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा। हम आए हुए माछरोली गांव में, जहां पर इंदु देवी ने सरपंच पद की दावेदारी ठोकी है। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्ते। आपकी धर्मपत्नी ने सरपंच पद की इंदु देवी ने दावेदारी ठोकी है, तो आपके क्या विचार हैं गांव के विकास कार्यों को लेकर? और गांव में विकास करेंगे और पानी का ये सारा ये काम करेंगे। सर, गांव में नशे पते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों में, ये चीज़ें मोस्टली गांव में देखने को मिलती हैं कि गांव में नशे पते ज़्यादा होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कार्य करेंगे? उस पे भी कुछ करेंगे और खेल के उसमें भी कराएंगे कुछ। चलिए जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी, बताइए। मैं सबसे पहले तो ये उत्तम हरियाणा जो चैनल चला है इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये हमारे समाज की बात दूर तक फैला रहे हैं। हरियाणा के प्रदेश भर जिला सतर पर ऊपर उठा के जो अच्छी अच्छी बातें हैं सबको दिखा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, किसी के माध्यम से बता रहे हैं अच्छी अच्छी बातें आप दे रहे हो। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गांव के विकास कार्यों को लेकर और ये आपको क्या लगता है इंदु देवी की कैसी छवि है, कैसे उनके विचार हैं? देखो जी, ये अपने जो ये देवेंद्र पहलवान जी हैं, ये इन्होंने मना कर दिया सरपंच के लिए, अभी मैं नहीं उठूँगा। गांव के दो तो सरपंचों ने इनको समर्थन दिया है, अभी आपके बिना गांव का विकास नहीं हो सकता। आप अच्छे हो, अच्छी छवि है और इसकी यहाँ या नहीं 22-20 गाँव में बढ़िया छवि है, कहीं भी चले जाओ बहुत अच्छे विचार हैं इनके, सबसे मिलते जुलते आदमी है। पुलिस रिकॉर्ड ठाक देख लो, कोई भी चीज़ ठाक देख लो, आज तक इसके प्रत्येक भी कोई दाग मिल जाए पूरी ज़िंदगी में, तो इस बात की जिम्मेवारी मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। चलिए जानते हैं। उत्तर हरियाणा चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हरियाणा को प्रगति पथ पर ले जा रहा है। इंदु देवी के बारे में बताइए कि उनके कैसे विचार हैं गांव के विकास को लेकर? एकदम शील स्वभाव की है, गांव के प्रति लगाव है, 36 जात का वो भला करना चाहती है। अगर गांव मौका देता तो वो हर एक आदमी की समस्या समाधान करने की कोशिश करेगी। राम राम ताऊ जी, आप भी बताइए कि इंदु देवी की जो छवि है वो कैसी है और कैसे उनके विचार हैं गांव के प्रति, गांव के विकास कार्यों को लेकर? सबसे पहले जी, मैं आपके चैनल उत्तम हरियाणा को धन्यवाद करता हूँ। रही सरपंच पद के दावेदार श्रीमती इंदु देवी जी, बहुत अच्छी छवि है, बहुत ही मिलनसार महिला है और बहुत अच्छा मतलब प्रेम भाव है मोहल्ले में, गांव में, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और हमको पूरी पूरी उम्मीद है वो चुनी जाएगी। आप लोगों ने गांव वालों के विचार सुने इंदु देवी को लेकर, जिनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी है, ईमानदार है, शिक्षित हैं और 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाली हैं गांव के विकास कार्यों के लिए और गांव के लोगों के प्रति उनके बहुत अच्छी सोच है। ये जो उत्तम हरियाणा चैनल चला रहा है, बहुत अच्छा विचार है इनके, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे समाज की बातों को देश विदेश में मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, चाहे सरपंच का छोटा इलेक्शन हो या चाहे बड़ा इलेक्शन हो, चाहे जिला सत्र का हो, चाहे ऊपर और भी MLA विधायक जिस भी कोई भी सिस्टम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। रचना गुलिया जी और दिनेश शर्मा जी, मैं सभी का आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। प्रमोद शर्मा के साथ रचना गुलिया की खास रिपोर्ट।